बड़वानी लाइव, सटीक खबर, ताजा खबर। कोरोना वैक्सीनेशन लगवाने के लिए ऑन स्पॉट बुकिंग में युवाओं का दिखा खासा उत्साह। सुबह से ही लग रही है वैक्सीनेशन सेंटरों पर युवाओं की लंबी कतार। राजपुर, विगत दो दिनों से कोरोना वैक्सीनेशन के लिए ऑन स्पॉट बुकिंग चल रही है, जिसमें टोकन के माध्यम से युवाओं को टीका लगाया जा रहा है, लेकिन देखने में यह आ रहा है कि सुबह 8 बजे से ही वैक्सीनेशन सेंटर पर युवाओं की लंबी कतार लग रही है, जिसमें महिलाओं के साथ साथ 18 साल के युवाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। लेकिन 200 डोज के स्लॉट एक घंटे में ही बुकिंग के बाद टोकन बढ़ जाते हैं, जिससे 200 युवाओं के बाद नाराज होकर युवाओं को घर जाना पड़ रहा है। राजपुर में शासकीय महाविद्यालय में 18 से 44 आयु वर्ग के 200 लोगों के लिए वैक्सीनेशन का स्लॉट प्राप्त हुआ है, जिसमें आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए आज सीमा साहब और पुलिस की टीम के साथ यहाँ व्यवस्थाएँ बनाने का प्रयास किया है। युवा मोर्चा ने किया रक्तदान। राजपुर, भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। यह शिविर उन्होंने केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार को 7 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित किया। कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए युवा मोर्चा ने जिला रक्त कोष की चलित वेन में रक्तदान कराया। देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के सफलतम 7 वर्ष पूर्ण होने पर सेवा ही संगठन के तारतम्य में युवा मोर्चा मध्य प्रदेश के आह्वान पर भरवानी जिले में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। युवाओं में दिखा खासा उत्साह। बढ़ चढ़कर पहुंचे युवक की वजह वैक्सीनेशन सेंटर, किया गाइडलाइन का पालन। पांचमल, वैक्सीनेशन सेंटर पर ऑन स्पॉट बुकिंग से युवाओं में खुशी का माहौल नजर आ रहा है। भारी मात्रा में 18 साल से अधिक युवाओं एवं महिलाओं में वैक्सीनेशन लगाने पहुंचे, जिसमें 18 वर्ष से ऊपर के लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। वैक्सीनेशन के लिए अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। वहीं शासन द्वारा दी गई गाइडलाइंस का पालन करते हुए बनाए गए गोलों में अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। साथ ही क्षेत्र में पॉजिटिव दर बहुत ही कम होने से सुखद परिणाम नजर आ रहे हैं। पिछले 3 दिनों से लगातार हमारे यहाँ पे पांचमल ब्लॉक में ग्रामीण और अर्बन क्षेत्र में कोई भी पॉजिटिव केस नहीं आ रहा है। ये पांचमल ब्लॉक के लिए बहुत सुखद और खुशी की लहर है। सड़क छोड़ 15 फीट नीचे खाई में गिरी ट्रक, कोई हताहत नहीं। ठिकरी, नगर के समीप से गुजरने वाले NH3 पर बीती रात एक हादसा हो गया। ट्रक क्रमांक MH18BA9914 पूना से इंदौर की ओर जा रहा था। रात करीब 2 बजे के आसपास चल रहे कंटेनर ने पीछे से ट्रक आते हुए निकला, जिसको बचाने के लिए ट्रक सड़क के नीचे 15 फीट नीचे खाई में गिर गया। दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है, किंतु ट्रक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। नाम है भैया सुरेश सोलंकी। आप इस गाड़ी के ड्राइवर? हाँ, ड्राइवर हूँ। हम आ रहे थे पूना से, भर के आ रही थी, इंदौर जा रही थी। क्या है गाड़ी नंबर? गाड़ी नंबर MH18BA9914। अच्छा, कैसे पलटी खा गई? भैया ये 2:30 बजे रात को कंटेनर वाला आगे चल रहा था, उसने को दबा दी, इधर गाड़ी डिवाइडर से टच हुई, सीधे नीचे उतर गई। शुक्रवार शाम आई हवा आंधी से कई घर हुए क्षतिग्रस्त। प्याज तूफान के असर के चलते मौसम के बदले तेवर। ग्राम बापदड़ में कल शाम आई तेज हवा आंधी और बारिश से कई पेड़ गिर गए। वहीं कई मकानों की छतें और कवेलू की दीवारें गिर गई। बिजली के लगभग 4 से अधिक पोल और मेन लाइन केबल भी टूट। मार्ग पर नीम का पुराना पेड़ गिर जाने से मार्ग अवरुद्ध हो गया। ग्रामीणों के द्वारा पेड़ हटाकर मार्ग को चालू किया गया। गनीमत यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। पटवारी को सूचना दे दी गई थी। अचानक इतना सब नुकसान हुआ है कि लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। तूफान के चलते यहाँ इतना भारी नुकसान पहली बार हुआ है। तेज हवा आंधी से सड़कों पर बह निकला पानी। निवाली एवं सेंधवा में तेज आंधी तूफान के साथ हुई जोरदार बारिश। बारिश से सड़कों पर पानी बह निकला एवं कई जगह पेड़ उखड़कर जमीन पर गिर गए, जिससे कई जगहों के मार्ग अवरुद्ध हो गए।